कपल को ये कहना चाहेंगे कि शर्याम आप जो चीज़ें गलत करते हैं, प्यार की एक हद होती है। स्वयंवर रचने वाली हमारी संस्कृति है, हम किसी को प्यार से रोकते नहीं, लेकिन प्यार की आड़ में जब आप यूज़ एंड थ्रो हवशीपना करने लग जाते हैं, वो सीमा नहीं पार करनी चाहिए। आप प्यार कीजिए, कोई रोकता नहीं है, आप प्यार के लिए एक दूसरे को चुनिए, ये भी कोई रोकता नहीं है। और लेकिन जब आप गलत स्टेप उठाते हैं, या एक प्यार करने का एक तरीका है, ये नहीं है कि आप शरे बाजार या शरे आम जैसे फॉरन में लोग होता है, तो आप क्या सोचते हैं कि फॉरन में जो लोग शरे आम प्यार करने लगे थे किसी से करते, तो क्या होता है वहाँ? ये हुआ है कि 100 में से 90% शादियाँ टूट चुकी हैं। बच्चों को अपने माँ बाप का नहीं पता कि क्योंकि उसके पापा ने 10-10 शादियाँ करके छोड़ दी, अब कौन से वाला पापा उनके हैं, उनकी माँ ने भी ऐसे ही किया, तो ये बड़ी दिक्कतें हुई खड़ी हैं और शादियाँ टूट चुकी हैं, पशु पक्षी उनके बेटे बन चुके हैं, तो क्या आप उनको फॉलो करेंगे या हमारी संस्कृति को? तो हम नहीं चाहते कि आप प्यार करना बंद करें, लेकिन प्यार को शरेआम नीलाम करना बंद कर दें। और आपसे गुजारिश है कि प्यार की एक सीमा होती है, प्यार एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग होता है, प्यार एक दूसरे के लिए भगवान होता है कि मैं तेरा सहारा हूँ तू मेरा, एक दूसरे का सम्मान करना होता है, प्यार एक दूसरे का साथ देना होता है, प्यार एक दूसरे के साथ इंजॉय करना होता है, प्यार समाज को बदनाम करना नहीं होता, प्यार प्यार को बदनाम करना नहीं होता। तो अगर आप ये बातें मानेंगे तो हमें लगता है आपको कोई तंग नहीं करेगा।